को लेकर आज इस धरने को तेरा दिन है और आप बता रहे हो क्या? मैंने बात की है, उम्मीद है जल्दी टेंडर खुल जाएंगे और गोवन शिफ्टिंग का काम विधिवत पूर्वक प्रारंभ हो जाएगा। वैसे तो भारत में गाय का दर्जा सब देवी देवताओं से ऊपर है और विदेशी भी इस बात को मानते हैं। जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है, गाय पालता है, उस आदमी की आधी विघ्न बाधाएं वैसे दूर हो जाती है, आधी से ज़्यादा। ये तो बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में डरने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उम्मीद है जल्दी इस बारे में प्रशासन की तरफ से और नगर परिषद प्रशासन की तरफ से भी किसी प्रकार की यहाँ पर आकर कोई वार्ता नहीं के लिए उसकी कहाँ जाकर कमी नजर आती है? ये तो जिम्मेदारी है प्रशासन की, नगर परिषद के लोगों की जिम्मेदारी है। कहीं भी कोई घटना होती है, कोई बात होती है, कोई नाराजगी होती है तो उसको समझना चाहिए, देखना चाहिए, बात करना चाहिए, जिम्मेदारी समझना चाहिए हर चीज़ की। जिम्मेदारी नहीं तो फिर जिम्मेदारी कौन समझेगा? जो सीट पे बैठा है वो समझेगा, जो बैठे हैं उनको जिम्मेदारी निश्चित समझ रहे होंगे, लेकिन यहाँ भी आना चाहिए, बात करना चाहिए या बुला के बात करना चाहिए और जनभावना का आदर होना चाहिए। क्षेत्रीय विधायक ने भी एक दिन आकर यहाँ पर गोभक्तों को आश्वासन दिया, लेकिन उसके बाद आठ दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं निकला, क्या कारण है? लेकिन मैं नेताओं के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन विधायक और सांसद इनके पास तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो विधायक के पास तो पूरे राजस्थान का प्लेटफॉर्म होता है विधानसभा, हो सकता है उसमें क्वेश्चन उठाया और उठाते तो पूरे राजस्थान को जानकारी होती, तो प्रशासन अपने आप बगा बगा फिरता, वो क्यों नहीं उठा पाए, क्या बात है? उनकी बात तो प्रशासन को वैसे मान लेना चाहिए, वो कह नहीं पाए होंगे, उनके पास समय नहीं होगा, समय मिलेगा तो बात करेंगे। आपकी तरफ से क्या वार्ता है रखी जाएगी? वो तो सबके सामने है, मैंने बात की है। मैं प्रशासन का अंग नहीं हूँ क्योंकि मैं आज विधायक नहीं हूँ, फिर भी मैंने नगर पालिका प्रशासन से बात करी है, उन्होंने टेंडर कॉल कर लिया, जल्दी उसकी स्वीकृति जारी हो जाएगी तो शिफ्टिंग हो जाएगी। आपका नाम? राम नारायण मीना, पूर्व सांसद। गोवंशों को नतीशाला में शिफ्टिंग के लिए आपको आज करने को 13 दिन हो गए, इसमें क्यों देरी हो रही? जय गो माता की। ये देरी जानबूझ कर की जा रही है सर, देरी का कोई कारण नहीं है। जो भी वहाँ आवश्यकता थी चार दीवारी की वो कंप्लीट हो चुकी है, फाटक लग चुकी है, नगर परिषद का उसमें ताला भी लग चुका है। अब वहाँ गोवंश ले जाने में ये अनावश्यकी देरी कर रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि ये कान का इन लोगों की मिली भगत है, ये अतिक्रमण को बचाना चाह रहे हैं या वापस उसमें ही वापस अतिक्रमण करवाना चाह रहे हैं।
क्यों ये इतनी देरी कर रहे हैं? छोटा सा टेंडर है, जब इन्होंने 50-50 लाख के टेंडर कर दिए तो ये तो 2-4 लाख का मामला है। शुरू में 100-200 गोवंश को ही वहाँ शिफ्ट कर दो, इसमें क्या देरी है? वहाँ सब कुछ चल रहा था, हमने लगभग वहाँ 100 गोवंश जो हमारी देख रेख में थे, वहाँ नगर परिषद द्वारा वहाँ बिजली की व्यवस्था की गई है। और दुख इस बात का है कि नगर परिषद का वहाँ कब्जा है, नगर परिषद ने उसकी चार दीवारी करवाई है, नंदीशाला के लिए वो जमीन आवंटित हुई है, उस पर लोगों ने जो वहाँ गोवंश रखे थे उनको निकाल दिया और उस पर ताला लगा दिया। लेकिन 15 तारीख को आयुक्त महोदय ने नामजद 11 आदमियों के खिलाफ रिपोर्ट दी थी, लेकिन अभी तक उसमें भी कोई FIR दर्ज नहीं हुई। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ज़रूर कौन कोई इनको बचा रहा है। ये जो भी नगर परिषद में बैठे हैं लोग, ये इनकी मिलीभगत है। और एक इन्होंने शुरू में भी टेंडर किया था, जब भी हमने इनसे विवाद किया कि भाई आप स्पष्ट क्यों नहीं लिखते हो, क्योंकि ये देखिए आप ये डॉक्यूमेंट्स है, इसमें लिखते हैं देवपुरा शिवरेज के पास सरकारी भूमि पर 4 दीवारी। अभी नगर परिषद सरकारी भूमि पर 4 दीवारी कैसे बनाएगी? हमने जब भी कहा था भाई आप सीधा क्यों नहीं लिखते कि भाई नंदीशाला की आवंटित भूमि पर 4 दीवारी का कार्य, तो हर जगह ये गुमराह करते हैं और उस पर ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए लेट कर रहे हैं ताकि अब इनको बाउंड्री भी कंप्लीट मिल जाए। और थोड़ा सा लेट कर दो, चुनाव का समय आ जाएगा, 1-2 महीने कोई जाने वाला नहीं है, तो वापस कब्जा हो जाएगा, फसल उग जाएगी रातों रात ही, फिर कैसे कब्जा हटेगा? क्या इस पे स्टे का मामला भी सामने आया? हमने सुना है, हमारे भी जानकारी में ऐसा आया है कि कोई स्टे के मामला चल रहा है, हमने उसके डॉक्यूमेंट्स भी निकलाए। लेकिन जहाँ तक कोई विवाद का कारण है तो सीवरेज के और जो जिसने अतिक्रमण कर रखा था उनके बीच है, नंदीशाला का तो कोई मामला ही नहीं है। ये सबके अलग अलग कचरे हैं, मैं 1 मिनट इन पे भी आपकी नज़र देता हूँ। ये नंदीशाला के आवंटित कचरे हैं, बिल्कुल अलग मामला है नंदीशाला, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे कलेक्टर रविंद्र जी गोस्वामी का, इन्होंने ये नंदीशाला और गौशाला लिख के बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। नहीं तो ये लोग पहले भी जो गौशाला की जमीन आवंटित हुई थी, एक बार गौसेवा के नाम हो चुकी थी, लेकिन वापस इन्होंने शुद्धि पत्र करवा कर उस गौशाला को हटवा दिया और वो आज फिर भी वो नगर परिषद के नाम है बूंदी के। और ये सीवरेज वाले कचरे हैं सर, दोनों अलग अलग कचरे हैं। नंदीशाला का अलग विषय, सीवरेज का अलग विषय। और ये जो स्टे है इसके भी कुछ कागज हमें मिले हैं, इसमें नगर परिषद कोई पार्टी नहीं है, नंदीशाला का इसमें कोई जिक्र नहीं है, इनके लड़ाई सीवरेज के और इनके आपस में, ये अनावश्यक ऊपर कागज में कुछ और लिखकर और नगर परिषद से मिलीभगत कर प्रशासन को भी गुमराह कर रहे हैं। अब आप आगे की आपकी क्या योजना रहेगी? हमारी मांग है प्रशासन से जल्द इसका निस्तारण करें और जांच करें, जो भी उचित है वो करवाओ। हाई कोर्ट की अगर बात आती है तो फिर बहुत सारे हाई कोर्ट के मामले, वो तो फिर लंबा प्रक्रिया हो जाएगा। ये कितने ऑर्डर हमारे पास हाई कोर्ट के पड़े हुए हैं, चरागाह भूमि के हैं, ये गौशाला की जमीन का है, ये देखिए ये गौशाला की जमीन का, ये चरागाह भूमि का है, बूंदी तहसील का। और दुख इस बात का है कि इस आदेश के तहत माटुंदा रोड पर बहादुरपुरा में 80 बीघा चरागाह पिछले कलेक्टर साहब ने खाली भी करवाई थी, लेकिन वो जाते ही उसमें वापस अतिक्रमण हो गए और आज वहाँ फसल खड़ी है। तो क्या इन लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा? शहर में गोवंश की जो हालत है, चरागाह भूमियों की जो हालत है, और ये खुशी खुशी तहसील में बात करें तो पूरी रिपोर्ट दे देंगे, भाई ये चरागाह इस कचरे पर इनका कब्जा है,
इनका मकान बना हुआ है, इनका बाड़ा बना हुआ है, इनकी खेती बनी हुई है, इनको शर्म आना चाहिए प्रशासन के अधिकारियों को, क्या इसलिए इन लोगों को बिठा रखा है? जब आपको पता है इनका कब्जा है तो आपका नैतिक दायित्व तो बनता है कि उसको आपकी खुद की ड्यूटी, आपको खुद पर उस पर एक्शन लेना चाहिए। और जब हम यहाँ 10 दिन 12-13 दिन से बैठे हुए हैं, सारे हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं, गोपाल गौ सेवा संस्थान हमेशा ऑन डॉक्यूमेंट से बात करता है और आगे भी ऐसे ही करता रहेगा, और इसी की हमारी लड़ाई है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि आप इसकी जांच करवाइए, और जो भी हो नंदीशाला गौशाला पर कहीं तो इन गोवंश को आप जगह दीजिए, ये आपका भी कर्तव्य है और इसको आपको करना पड़ेगा। हमने पूछा कि आपका आगे की क्या योजना है? अब आगे की भी योजना रहेगी सर, ये 2-3 दिन अभी छुट्टियां आ गई थी, हम सोमवार तक इनका वेट करते हैं, नहीं तो उसके अगले दिन से ही हम फिर सब लोग मिलकर कोई धमाकेदार योजना बनाएंगे। आपका नाम? गोपाल माहेश्वरी, सचिव गोपाल गौ सेवा संस्था। इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास, व चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।